ये आइसक्रीम तो जबरदस्त बना है। व्हाट्सअप गाइज, वेलकम टू माई चैनल। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कैसे आप घर पे आइसक्रीम बना सकते हैं आइसक्रीम मेकर के साथ। यूजुअली तो हम आइसक्रीम बाहर से ही मंगा लेते हैं, बट जिसको आइसक्रीम बनाने का घर पे शौक हो वो ये आइसक्रीम मेकर से बहुत इजीली आइसक्रीम बना सकते हैं। और ये आइसक्रीम मेकर में आप सॉर्बे, फिर आप योगर्ट भी बना सकते हो और मैकडोनल्ड स्टाइल सॉफ्टी भी बना सकते हो। सो ये है अगारो का आइसक्रीम मेकर। तो चलिए अभी इसको करते हैं अनबॉक्सिंग। तो ये है अगारो का आइसक्रीम मेकर। ये है आउटर बोल, तो ये है उसका पैडल और ये है स्पिंडर। तो ये है उसका टॉप लिड और ये वाइट जो आप देख रहे हो ये है मोटर। और ये है उसका फ्रीज बोल जो मैंने ऑलरेडी फ्रीजर पे रख दिया था। मुझे आइसक्रीम बनाना था, इसके लिए 12 आवर्स के लिए आपको इसको फ्रीज करना है, तो मैंने वापस वो फ्रीजिंग बोल को फ्रीजर पे डाल दिया है बिकॉज मुझे बहुत ही जल्दी आइसक्रीम बनाना है। और इसके साथ आता है ये मैनुअल जिसमें काफ़ी सारी आइसक्रीम्स की रेसिपी भी दी गई है, तो आपके लिए इजी भी होगा बनाने के लिए। ये अगारो का आइसक्रीम मेकर 1 ईयर वारंटी के साथ आता है विथ 3 मंथ्स एक्सटेंडेड वारंटी। तो आइसक्रीम बनाने के पहले आपको इसको अच्छे से वॉश कर लेना है। एंड ये जो मोटर है वाइट पार्ट, इसको आप वॉश मत कीजिए, तो आई विल शो यू कि इसको कैसे आपको अटैचमेंट से निकालना है। ये आप प्रेस करोगे तो ये ऐसे निकल जाएगा। सिमिलरली योर, तो ये देख सकते हैं आप इजीली ये निकल चुका है। एंड फिर मैं आपको बता देती हूँ, ये जो है यहाँ पे आपको स्पिंडल को कनेक्ट करना है, बहुत इजीली कनेक्ट हो जाता है। ये लग गया है। ये ऐसे थोड़ा सा जगह दिया हुआ है, आप ऐसे मत सोचिए कि ये एकदम टाइट क्यों नहीं हुआ, ये ऐसे ही बनाया गया है। और जब आपको वॉश करना है कुछ भी नहीं, आप इजीली इसको ऐसे निकाल सकते हो एंड फिर उसके बाद आप स्पिंडल को खींचोगे तो वो बाहर आ जाएगा। तो चलिए अब बनाते हैं हम आइसक्रीम। आइसक्रीम बनाने के लिए मैं इसमें से 200 ml स्किम मिल्क लूँगी, इसमें से 200 ml फ्रेश क्रीम लूँगी, 50 ग्राम शुगर, पाउडर्ड शुगर लेना। एंड मैं चॉकलेट आइसक्रीम बनाने जा रही हूँ, इसके लिए आई विल टेक 1 बोल चॉकलेट। तो अब मैं ये फ्रीजिंग बोल इसमें डाल रही हूँ। एक्चुअल कैपेसिटी इसकी 1.2 लीटर है और इसका जो मिक्सचर मैंने लिया है ये 400 ml है। तो जब आइसक्रीम बनता है तो उसका क्वांटिटी इंक्रीज होता रहता है। ये अब मैंने असेंबल कर दिया। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताऊंगी, आपको ये मिक्सचर डालने के पहले मशीन को चालू कर लेना है, बंद मशीन में नहीं डालना है मिक्सचर आइसक्रीम का, बिकॉज ये इतना फ्रीजिंग रहता है जिसके वजह से आपका आइसक्रीम नीचे ही गट्ठा बन सकता है, तो ये स्पिन होता रहेगा। तो जब मैं मिक्सचर डालूंगी तो इट विल स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ मेकिंग आइसक्रीम। ये मैंने स्टार्ट कर दिया है और ये ओपनिंग से अब मैं मिक्सचर डाल रही हूँ अंदर। तो आप जैसे सुन सकते हो ये मशीन का आवाज़ लाउड नहीं है। एंड ये बनने के लिए तकरीबन 25 to 30 minutes लगता है। सो इसका एक फीचर है, जब वो आइसक्रीम थिक हो जाता है तब ये रिवर्स भी घूमना चालू कर देता है। बट ये अगर रोटेशन काफ़ी टाइम यू नो फॉरवर्ड बैकवर्ड करता रहा तो आप समझ लेना कि आइसक्रीम बन चुका है। इसमें ओवरहीट प्रोटेक्शन है, तो जैसे ही गर्म हो जाएगा मशीन वो ऑटोमेटिकली कट ऑफ ले लेगा और ठंडा होने पे वो वापस चालू हो जाएगा। सो ये आइसक्रीम रेडी है एंड इट इज रेडी टू बी सर्व नाउ। सो गाइज, होप आपको ये अगारो का आइसक्रीम मेकर बहुत ही अच्छा लगा होगा। टू बाई दिस यू कैन फाइंड द लिंक इन माई डिस्क्रिप्शन। एंड इससे बहुत ही बढ़िया आइसक्रीम बन चुका है, यू शुड डेफिनेटली ट्राई दिस आउट। सो टिल देन गाइज, स्टे हैप्पी, स्टे हुक्ड, बाय बाय।